जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होगे और मस्त होगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं फ्रंट किक डिफेंस की मेन किक होती है। जैसा कि मैंने आपको लेसन फर्स्ट में बताया था कि लेसन फर्स्ट के बाद लेसन सेकंड आएगा, तो लेसन फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको रनिंग करना है, रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद ही आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रंट किक डिफेंस की मेन किक होती है। जैसे समझ लीजिए सामने वाला यदि कॉलर ग्रिप करने के लिए आ रहा है, थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, एनीवे सामने वाला जो दुश्मन है यदि आपके पास आता है तो आप उठाकर और फ्रंट किक मार सकते हैं। मार्शल आर्ट की ताइक्वांडो की सबसे खतरनाक किक होती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो खत्म होने के बाद जिन जिन लोगों ने लेसन फर्स्ट को नहीं देखा है वो वीडियो मतलब लेसन फर्स्ट को जाकर और जरूर देखें, लेसन टू है। सबसे पहले मैं आपको किक चला कर दिखा दे रहा हूँ कि फ्रंट किक जो रहती है वो किस तरीके से चलाई जाती है। देखिए जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इस तरीके से ऐसे करके किक को मारा जाता है, आप समझ सकते हैं। देखिए जो किकिंग बैग जो लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन किक जो है जैसे ही मतलब पड़ रही है वो कितनी दूर जा रहा था, आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक किक है ये। जो किक है मैंने इससे कई बार टाल से कबेलू जो है वो कई बार फोड़ के दिखाया है, यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो इस तरीके से किक को चलाया जाता है, ऐसे करके मारा जाता है। अब जैसे समझ लीजिए सामने वाला कॉलर ग्रिप करने के लिए आ रहा है, जैसे समझ लीजिए ये कोई बंदा आ रहा तो ऐसे उठा के और आप सीधे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। देखिए एक बार और समझिए प्रैक्टिकल पे, मतलब ये कोई आ रहा है तो इस तरीके से आप मार सकते हैं। सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं है, यदि आपकी किक में पावर है तो सामने वाले को रुकना ही पड़ेगा। किक सीखने के लिए सबसे पहले आपको लेसन फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको रनिंग करना है, रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद आपको इस तरीके से खड़े हो जाना ऐसे करके और पैर को इस तरीके से उठाकर और खींचना। देखिए और कम से कम आपको 20 गिनती करना है। देखिए उसके बाद लेग चेंज कर लेना ऐसे करके और लेग चेंज करने के बाद आपको फिर 20 गिनती करना है, फिर से इस तरीके से उठाना और 20 गिनती करना है। ऐसा आपको 10 बार करना है और 10 बार में मतलब हर एक बार में आपको 20 गिनती करना है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना, देखिए आपको पैर को इस तरीके से अपनी साइड उठाना, देखिए कैसे करके ऐसे करके अपनी साइड उठाना, देखिए इस तरीके से पैर उठाते समय। देखिए बेसिकली जो गलती करते हैं आप लोग या फिर जो बच्चे रहते हैं क्लास के वो इस तरीके से ऐसे करके करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना और पैर इस तरीके से उठाना है ऐसे करके। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे और ऐसे करके करेंगे, तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको हैंड बॉडी जो है एकदम लूज रखना, बिल्कुल ऐसे करके ज़्यादा बॉडी को टाइट नहीं रखना और इस तरीके से पैर उठाना, देखिए ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके। जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा आप ट्रेनिंग करें, आप घर बैठकर ही ट्रेनिंग कर सकते हैं और मार्शल आर्ट सीख सकते हैं अच्छे से। देखिए इस तरीके से आपको पैर को उठाना है, ट्रेनिंग आपको सुबह भी करना है और शाम को भी करना है, आपको इस तरीके से आपको पैर को उठाना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से फाइट जो मूवमेंट में खड़े हो जाना है, जिन लोगों को नहीं पता है उस तरीके से राइट वाले पैर को पीछे करें और राइट वाले हैंड को इस तरीके से ऊपर उठा लें और आगे वाले हैंड को इस तरीके से कर लें। इनको बोलते हैं ब्लॉक्स बोलते हैं, ये मिडिल ब्लॉक रहता है और ये अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के लिए, तो इस तरीके से खड़े हो जाना है। अभी क्या कर रहे थे अपन, पैर इस तरीके से उठा रहे थे, अब यही जो पैर है उसको क्या करना है, आपको पीछे से उठाना है। पैर पीछे से उठाते समय आपके जो ब्लॉक है मतलब हैंड इस तरीके से खुल जाएंगे और पैर को अपनी साइड उठाना, देखिए पूरा बिल्कुल कैसे करके उठाना, देखिए अपनी साइड इस तरीके से पैर को उठाना है ऐसे करके। पैर को आपको ऐसे करके पीछे नहीं रखना, कई बच्चे क्या है ऐसे इतनी दूर पीछे रख लेते हैं ऐसे करके, तो इस तरीके से नहीं करना। पैर जो है वो सीक्वेंस में रहेंगे मतलब शोल्डर के लेवल से रहेंगे, तो इस तरीके से खड़े हो जाना है और ऐसे करके आपको पैर को उठाना, देखिए इस तरीके से अपनी साइड उठाना है और ये जो पैर है इसको ऐसा फोल्ड मतलब आगे की साइड ज़्यादा खुला नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, नहीं तो कई बच्चे ऐसे करके उठाएंगे, ऐसे करके नहीं उठाना। आपको क्या करना है, ऐसे करके उठाना। दोस्तों लगातार मैंने 6 से 7 साल ट्रेनिंग की हुई और 6 से 7 साल मुझे बच्चों को सिखाते हुए मतलब 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो आपको अच्छे से देखना है वीडियो को और अच्छे से आपको ट्रेनिंग करना है। सेम कंडीशन में अपन लेफ्ट वाले पैर से करेंगे, देखिए इस तरीके से कैसे करके इस तरीके से सेम कंडीशन बिल्कुल इस तरीके से ऐसे करके पैर को उठाना, देखिए ऐसे करके इतनी आपको ट्रेनिंग करना, देखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना, देखिए अभी अपन ऐसे करके उठा रहे थे, अब 2 काउंट्स में आपको पैर को खोलना, देखिए कैसे करके, ये हुआ 1 और ये हुआ 2, पैर जो रहेगा वो ये वाला हिस्सा लगेगा, देखिए कौन सा वाला हिस्सा, ऐसे करके ये 1 और ये 2, सिंपल बिल्कुल इस तरीके से ट्रेनिंग करना, जल्दबाजी आपको नहीं करना। याद रखें आपने एक पौधा लगाया हुआ है, आप उसमें कितनी पानी दे दें वो एक ही दिन में फूल नहीं दे देगा, मतलब टाइम लगेगा जब जाके ही वो फूल देगा। तो आपको किक सीखने में मार्शल आर्ट सीखने में जल्दबाजी नहीं करना है आपको,
इस तरीके से पैर उठाना है वन काउंस में और टू में इस तरीके झटके के साथ खोल देना। देखिए ये ब्लॉक के साथ खड़े हैं अपन, ये पैर उठाया वन और ऐसे करके टू, एक झटके के साथ बिल्कुल ऐसा वन टू। शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप यदि कंटिन्यू यदि करेंगे सब आसान हो जाएगा। जैसे अपन स्कूल जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अपन शुरू दिन बैठ गए कितने रोते हैं गाते हैं, मम्मी पापा को बिल्कुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन जैसे ही जैसे धीरे धीरे अपन बैठते जाते हैं अपनी आदत सी हो जाती है। ऐसे ही मार्शल आर्ट की जब आप ट्रेनिंग करेंगे दुनिया भर की दिक्कत होगी, वो दिक्कत आपको मना करती है भैया आप कुछ मत करो, लेकिन आपको फैसला लेना है कि हाँ भैया मुझे सीखना है चाहे कितनी दिक्कत आ जाए। तो इस तरीके से पैर उठाना है ऐसे करके वन, और इस तरीके से पैर को एक झटके के साथ खोल देना। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, अभी अपन कर रहे थे वन एंड टू, इनको क्या करना है एक ही बार में इस तरीके से खोल देना। देखिए ऐसा वन टू, देखिए वन टू ऐसे करके वन टू इस तरीके से करना। देखिए मेरे पास किकिंग बैग है, पंचिंग बैग है, तो मैं इस पर चला के दिखा रहा हूँ। यदि आपके पास नहीं है तो आप एक बोरी में रेत भर लें या फिर आप लुगदी भर लें और इस तरीके से आप लटका सकते हैं या फिर पेड़ से लटका लें टारगेट के लिए, क्योंकि टारगेट के साथ यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी किक में एक अल्टीमेट ही पावर रहेगा। जिस तरीके से आपको खड़े हो जाना है ऐसे करके, ये हुआ वन टू, दो बार में कर रहे थे, अब इसको क्या करना है एक बार में इस तरीके से खोल देना। देखिए एक टारगेट बना के आपको ट्रेनिंग करना, मतलब ऐसे उठाया और ये खोल दिया। देखिए अब मैं इस पर चला के दिखा रहा हूँ, ऐसा इस तरीके से आपको मार देना। देखिए कैसे करके मारना है, इस तरीके से मार देना ऐसे करके। ये लेसन टू है, लेसन थ्री में देखिए मैं या तो आपको ब्लॉक सिखाऊंगा या देखिए जो भी मेरी इच्छा होगी वो सिखाऊंगा आपको। तो लेसन मैंने फर्स्ट बना दिया, ये लेसन टू है, इसके बाद लेसन थ्री आएगा। तो आप बिल्कुल वीडियो पर कमेंट करें कि सर आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भैया बच्चे सीखने में इंटरेस्ट ले रहा है, आप देख रहे हैं पसीना कितना आ रहा है। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो पर एक कमेंट भी कर दें आप। तो इस तरीके से आपको उठाना और ऐसे करके मार देना। देखिए कैसे करके ये उठाया और इस तरीके से मार देना ऐसे करके। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूर खड़े हो जाना ऐसे करके। अब देखिए किक में जो रहता है वो तो और पावर कैसे आएगा, अभी तो क्या कर रहे थे अपन मार रहे थे और पैर को पीछे कर रहे हैं, अब क्या करना मारते हुए पैर को आगे रखना। देखिए ये मारा और पैर कहाँ रख लिया, आगे रख लिया। आगे रखने में क्या होता है दोस्तों, जो बॉडी वेट जो रहता है वो किक पर पूरा जाता है, मतलब ऐसे करके किक मारना अलग चीज़ है, इसमें उतना पावर नहीं आएगा जितना जैसे ये बॉडी वेट जो आ रहा है, समझ लीजिए कि मैंने धक्का ही दे दिया। तो देख सकते हैं आप किकिंग बैग जो है वो कितनी दूर चला गया। तो आपको क्या करना है, बॉडी वेट लेते हुए और इस तरीके से किक मार देना ऐसे करके। एक बार और देखिए कैसे करके इस तरीके से ऐसे मारना। आप देखिए मैं फाइनल आपको किक चला के दिखा रहा हूँ, ऐसी किक। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सीख जाओगे, दो दिन में सीख जाओगे, पाँच दिन में, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता। ऐसे करके इस तरीके से खड़े हो जाना ऐसे करके और पूरी ताकत से बिल्कुल किक मारना ऐसे करके। आप सोच सकते हैं सामने वाले बंदे में यदि इस तरीके से यदि छाती में यदि किक पड़ गई तो दोनों पैर जो रहेंगे वो मतलब उड़ जाएंगे और सामने वाला जो रहेगा वो गिर जाएगा। लेसन फर्स्ट में मैंने बताया था आपको, लेसन फर्स्ट में क्या बताया था, पहले रनिंग करना, उसके बाद वॉर्म करना और फिर आपको इस तरीके से ट्रेनिंग करना। जैसा जैसा मैं बता जा रहा हूँ वैसा वैसा आपको ट्रेनिंग करना है और इसी तरीके से आपको ट्रेनिंग करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से अपने YouTube चैनल पर 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसके लिए मैंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और आपने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मैं आपको एक से बढ़कर एक कंटेंट मतलब देता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो 12 से 14 साल का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको ट्रेनिंग कराता हूँ और वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।